हमें सब जब यहाँ पे ये लोग आए थे, इन्होंने हमको बोला था कि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। इन्होंने हमसे जबरदस्ती यहाँ साइन कराए, इन्होंने हमसे जबरदस्ती साइन कराए, हम कड़वा इच्छा और यूं था जब यख डर का मारा हम साइन करे हमारे छोड़ो डर का चला मारो नहीं हमारे बच्चों ने मारो नहीं हम उन चीज़ मकान इंटर आ मारा साइन जब धक्का मो की वो पुलिस वाल दे तब बचा है ना हमने पर बचा हम उनको नवा मार छोड़ अपुन जी अल डाल हम उनके कान छोड़ को तब छोड़े ना हम हर शी पर गला की हर शी हमारे बेदागन कम से कम इतनी हमने सोची कि एक छतरा पर एक लाठ पर एक जग पर बिका हम रागड़ी पैमाइन फैली आज हम बचोड़ा तो कई इज्जत बचोड़ा मारनी है भूकाना मार छुआ रुआना भूकाना मार नाती ना रुआना कुल मैं कह हमारे छात्र फोन हो जाए बर्मा नमार नांगे कह दिन हर आज बोल कि मैं तुम राशन दे तैयार छू क्या कहना हम तेरे राशन है मैं तेन हम राशन दिन नहीं सुनते हमार जेड़े काटे हमार छोर हमारी छोर हमारे के गिरफ्तारी करी हमू तो बोल साइन करी दिया तोड़ दो जबड़ा तोड़ नहीं रखू तुम्हारे छोर जे जाना तुम रुपया दे उल्टा रुपया दे हम उल्टा रुपया दे था जबड़ा तोड़ना पुलिस को आओ पर हमार को है नीचे हमारे खाली एक बदनासी प्रणाम की बदना था तू दिए खींच जगह हमारे सच्ची दिया रे वाली सच्ची दिया से हमने जगह अंगठे वाली आप 50 साल में तीन बहने का आया जो जो नेता फिर तुम यू जिन कैद से ना छोड़ बदना था जन बदरी केदार के वही तनी वही ये जगह पर भूमि फिर हम ही जगह पर आया फिर मेरे बनो अधिकारी आज हम इन घर से बेगाने का जगह गांव से तुम पहले बोला कि बात तुम जगह खाली करो यखन 6 महीना देगा साल भर टाइम देना हम कितने को यखन पहले बोल के हम तुम्हारे विस्तार न खोला तुम उतर बनो कहने का मतलब ये है कि माननीय विधायक जी एक तो दूसरे के लिए तो टाइम मांगते हैं सामने ही बिल्डिंग है हमारे सामने जस्ट सामने पे बिल्डिंग है उसके लिए टाइम मांगते हैं और हमारे लिए टाइम नहीं मांग सकते प्रस्ताव लेके जाते हैं कि उन्हें मुआवजा या तो उनको जगह दी जाए ये जो भूमि है उनको सौंपी जाए लेकिन जबकि ये 4.25 में है ये पूरा जाए तो अनलीगल हम ही हो गए ये सामने तक पूरा अनलीगल नहीं है 50-60 साल से हमारी 56 कोर्ट मसूरी में जो 56 कोट की बस्ती है 50-60 साल से यहाँ मजदूर रहते हैं ये मजदूरों का एक निवास था पूरा ठीक है आज हमें यहाँ से अतिक्रमणकारी घोषित करके भेज दिया गया है हमारे घर पुलिस बल दल के साथ हमारे घरों को तोड़ दिया गया है जब यहाँ पे नेता लोग आते हैं मतलब जब वोट का टाइम होता है उस टाइम हम इनकी बहनें बन जाती हैं और हम लीगल लोग बन जाते हैं अब जब ये अपनी कुर्सी में चले जाते हैं हम लोग अनलीगल हो जाते हैं हमने किसी को भाई बनाया किसी को अपना बेटा बनाया ठीक है और जिनको हमने भाई बनाया राखी बांधी आज उन्होंने हमारी इज्जत उतार के रोड पे रख दी है हम लोग आज रोड पे अव्यवस्थित तरीके से रोड पे पड़े हैं कई लोग हमें गलत नज़र से देखते हैं हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं हमारी जवान बेटियां रोड पे हैं अब हमारी इज्जत का जिनको हमने भाई बनाया वो अब हमारी इज्जत बचाने क्यों नहीं आ रहे कहाँ गए वो भाई के दावे कहाँ गए वो भाई के वादे इतनी माँ बहनें रोड पे बैठी हैं क्यों नहीं हमारे लिए आ रहे हैं औरों के प्रस्ताव लेके जगह जगह जा रहे हैं कौन सा भाई था नाम है उस भाई का जी हमने एक हमने अपने भाई बनाए थे हमारे विधायक जी गणेश जोशी जी उनको हमने राखी बांधी है हमारा उनसे ये विनती है कि वो आए और अपनी बहनों की इज्जत बचाए हम लोग रोड पे हैं दुनिया हम पे गलत नजर से देख रही है हम उनके सामने अपना सिर भी नहीं छुपा सकते अपना सिर हमारे पास अपना दुपट्टा तक नहीं है कि हम अपने सिर छुपा लें अपनी इज्जत ढक लें हमारी इज्जत उतर रही है अब हमारे भाई गणेश जोशी को आके हमारी इज्जत बचानी होगी अन्यथा इसका परिणाम ये होगा कि उनकी बहनें उन्हीं के सामने अपनी जान देंगी अब कहाँ गए वो वादे ये वादे पूरे करने का टाइम आ गया आप हर जगह औरों के प्रस्ताव लेके आप जा रहे हो लेकिन 56 कोट वालों के लिए क्यों नहीं आया हम अपने भाई से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो आए और हमारी इज्जत बचाएं और 56 कोट वालों को बचाएं जितने 84 परिवार रोड पे आ गए हैं जो ये यहाँ से हमको अतिक्रमणकारी घोषित किया है ये गलत है ये हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हम लोग 50-60 साल से यहाँ मजदूर हमारे पिता हमारे 3-4 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं हम यहाँ रह रहे हैं जो अभी हमारे यहाँ पे जो विधायक जी हैं श्री गणेश जोशी जी हैं हमारे विधायक जी हैं माननीय विधायक जी ने खुद यहाँ पे जब उनकी पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ पे बैठ के बोला था कि जब मैं विधायक बनूंगा तो मैं आपको हिलने नहीं दूंगा 56 कोट से उन्होंने कहा था मैं आपको यहाँ विस्थापित करूंगा आज वो अपने वादा भूल गए हैं आज हमारी माँ या हमारी घर वालों ने उनको राखी बांधी है उनको अपना भाई माना है आज वो उस राखी को भी भूल गए कि हमने अपने बहनों से क्या वादा किया था क्या उनका एक ही वो रह गया था कि उनको एक बहन को एक जग पकड़ा दिया एक घड़ी पकड़ा दी बस यही रह गया था
क्या उनका उनका उनको उनका सरसा छाती उठाना क्या जरूरी था? हम तो ये सारा जितना भी यहाँ पे हुआ है, ये सारा भार जो है वो, ये जो जितना भी भार है जो हमारा आज हमारे साथ जो धोखा हुआ, तो ये हम सारा जो है माननीय गणेश जोशी जी को इसका भागीदार मानते हैं, क्योंकि उनके रहते हुए आज हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारे जितने भी परिवार है सारे जो है बेघर हो चुके हैं। आज हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई चपट हो चुकी है। हमारे बच्चे, यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो हैं आज जिस स्थिति में रह रहे हैं बीमार हो चुके हैं। चौरासी परिवार कोरोना काल चल रहा है, जब माननीय विधायक जी एक हमारे ठीक सामने पे आप देख सकते हैं इस भवन के लिए, जब वो टाइम मांगने जा सकते हैं, जगह मांगने जा सकते हैं, क्या हम यहाँ पे 84 परिवार रह रहे थे, क्या वो हमारे लिए टाइम और जगह नहीं मांग सकते थे? क्या वो हमारे लिए थोड़ा बहुत टाइम इतना नहीं मांग सकते थे कि जब तक इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती है, हो नहीं जाती है, तब तक इनको यहाँ रहना चाहिए? हम मानते हैं ट्रॉली का हम स्वागत करते हैं, हम मानते हैं ट्रॉली का स्वागत करते हैं, पर पहले हमारी व्यवस्था करना चाहिए थी। और आज इस कोरोना काल में हमारे बच्चों को हमारे सर से छत उठा गया है, हमारे बच्चों को और हमें या हमारी माता बहनों को या किसी को कुछ होता है तो इसका जो भागीदार है तो हमारे माननीय विधायक जी हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने हमारे साथ जो करा ये सारा साथ गलत किया है। हम माननीय विधायक देखो इतना बड़ी बात है कि ये सब होने के बाद भी आप उन्हें माननीय संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको हमेशा है बड़ी बात है, ये बहाना है आप लोगों ने, हमने इज्जत देनी सीखी है, इज्जत उतारने नहीं सीखी है। आज हमारी माँ बहन, आज हमारी बहनें, जवान बहनें, हमारी माँ सबकी इज्जत उतर चुकी है, और इसकी पूरी जो पूरी घोर निंदा हम करते हैं। और इस बात में कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं इसके जो उसमें है, हम जो नगर पालिका में एमएल शाह जी हैं, मिठन लाल शाह जी हैं, उनको भी जो है इसमें भागीदार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको अनलीगल और किसी ने गलत रिपोर्ट नहीं दी, एमएल शाह ने गलत रिपोर्ट दी है यहाँ से कि ये 2013 के बाद और 14 के बाद यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास सन 2010 में जब यहाँ पे आपदा आई थी उसके पास हमारे पास जो यहाँ पे आपदा आई थी उसके हमारे पास चेक पड़े हुए हैं, जो 2000 हमको जो है राहत में मिली हुई थी उसके चेक हमारे पास पड़े हुए हैं। 2007 में हमारा पानी लगा हुआ है यहाँ पे, उसकी रसीद हमारे पास है। 2084 में हमारा मीटर लगा हुआ है, उसका हम पे रसीद है। 1984 में हमारा मीटर लगा हुआ है, उसके हमारे पास प्रमाण है, उसका हमारे पास लाइट का बिल है और मीटर का कागज है। 1989 में हमारे यहाँ पे झुग्गी जली थी, उसका भी हमारे पास सरकारी प्रमाण है, तो हम नक्शा भी है हमारे पास, तो हम कहाँ से अनलीगल हो गए? मैं मिठन लाल जी से भी ये कहना चाहता हूँ, जबकि वो भी हमारे गढ़वाल के हैं, हम भी गढ़वाली शहर, वो भी गढ़वाली शहर, उनका भाई आज बीजेपी में विधायक हैं, तो उनका ये बात नहीं बनता कि एक गरीब आदमी के पेट में लात मार के उन्होंने आज जो हमारा माँ बहनों को और हमारे सबको उन्होंने गुमराह किया है, उन्होंने यहाँ तक गोल्ड को भी गुमराह किया है, गोल्ड को भी उन्होंने गुमराह किया है कि ये 2014 के बाद बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने सबको गुमराह किया है मिठन लाल जी ने। हम इसके घोर निंदा करते हैं, अगर इसमें भी वो हमको जेल डालना चाहते हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने आप जब हमारे यहाँ पे छत टूटी थी, हमने अपने छत के लिए जब आवाज उठाई तो हमारे समन काटे गए, हमको समन काटे गए, एक एक आदमी के दो दो जमानत मांगे गए, और हमको तो ये तक बोला गया कि आप कहीं पे खड़े होते हैं तो आपकी जो गिरफ्तारी होगी तो सुप्रीम कोर्ट से आपकी जमानत होगी, ये तक हमको डराया गया। क्या हम अपने हक के लिए बोल नहीं सकते? क्या हम उत्तराखंडी नहीं है? इसीलिए हमारे दादा, हमारे बाप ने, हमारे भाइयों ने इस धरती के लिए कुर्बानी की थी कि आज हमारे ये हमारी हाल हो रही थी। मैं तो आज उन नेताओं को भी बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन के टाइम पे हमको जो है बोलते थे कि मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी ये है, आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों खड़ा नहीं हो रहा? क्या हम उत्तराखंडी नहीं है? इसका परिणाम जो भी है 22 में सबको नजर आ जाएगा, चाहे हम रहे ना रहे, हमें छत मिले ना मिले, पर हम रोड पे ही रहेंगे, मगर इसका परिणाम 2022 में इनको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, पर 2022 में ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गढ़वाली, हम गढ़वाली शाह, हम गढ़वाली शाह, तिलु रोतेली यखवे भीड़ भरी यखवे, क्या आज हम तो आज हम अपने सर फोड़ना तैयार छा, आज हमारे बाल बच्चे रोड में आएगी, हमने अपनी गाड़ी कमाई यख लगाए,
हमने आज रिक्शा चलाया, हम यहाँ पे सब मजदूर हैं, किसी ने रिक्शा चलाया, कहीं ने दिहाड़ी करी, कहीं ने मजदूरी करी, हमारे बाल बच्चा स्कूल से पढ़ना कख बिटी लोन हम हैं। आज उन्होंने हम तो किसी कई जगह नहीं रखे हैं, आज हम माननीय विधायक जी का और एमएल शाह का घोर निंदा करते हैं, क्योंकि एमएल शाह ने माननीय मिठन लाल जी ने यहाँ से जो नगर पालिका से रिपोर्ट दी वो सारी गलत दी, और कहीं ना कहीं इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया है कि ये 2013-14 के बाद बैठे हैं यहाँ पे। हम जो है आगे भी हम जो है अभी भी कोर्ट जाएंगे। रक्षा बंधन को राखी बनवाते थे या एक जग या एक गाड़ी दे देते थे, पर विकास हो गया, कोई भी आवासीय कॉलोनी नहीं बनाई। जहाँ तक इन लोगों की बात है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को से भी निवेदन है, आपके नगर पालिका चेयरमैन से भी निवेदन है कि भी इनकी व्यवस्था की जाए। ये सर 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर, ये 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और प्राइवेट से सर, ये प्राइवेट पता नहीं है सर इसका, अभी जो है इसका कोई क्लियर नहीं है कि प्राइवेट है कि सरकारी है। ये नगर पालिका, ये नगर पालिका ने टूरिज्म विभाग को ट्रांसफर करी जमीन, और टूरिज्म विभाग ने किसे दी है ये भी खुलासा नहीं हुआ है। कोई प्राइवेट कंपनी अभी गुमराह में है सर, और कोई बड़ी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत, ये तो खुला साजिश के तहत। और दादा अभी जो भाई बता रहे थे, हमारे एमएल साहब ने जो रिपोर्ट दी है वास्तव में वो एकदम झूठी रिपोर्ट दी है, कोर्ट को भी गुमराह किया, इसमें कोर्ट की अवहेलना भी है, कोर्ट को गुमराह किया गया। और इनका जबकि एक बात और, ये 24 लोग नहीं है यहाँ, जो 24 लोग लिखे गए उसमें वो इन्होंने या तो मिस्टेक खुद इन्होंने जानबूझ कर लिखा उसमें, या फिर मिस्टेक हुई है, 84 लोग है, तो 84 परिवार है। 84 को 24 कर दिया, 84 को 24 कर दिया, मतलब ये भी एक तो बड़ा घोटाला कि 84 को 24 कर दिया। हाँ ये भी 420 का मामला बनता। और दूसरी बात, जो इनके पास डॉक्यूमेंट है, किसी के पास 11 का है, 2011 का भी है, 2009 का भी है, 2007 का भी, 84 तक के इनके पास रिकॉर्ड है, तो वे कहाँ से आ गए? यानी कि वो मतलब ये कह रहे हैं कि 2013 के बाद ये लोग आए, तो इनके पास 2013 से पहले के रिकॉर्ड कैसे हैं इनके पास?